हेलो नॉर्थ ईस्ट, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक है। फिलहाल मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी मैं दिखाने वाला हूँ असम राइफल ग्राउंड और हम लोग का जिम असम राइफल का। तो मैं असम राइफल में स्पोर्ट्स पर्सन में कैसे मैं भर्ती हुआ वो भी बताने वाला हूँ। चलो अभी शुरू करते हैं। तो वही ग्राउंड है तो आप लोग देख रहे हैं ये है। पहले तो ग्राउंड बहुत ही ख़राब था। जब हम लोग 2017 लास्ट में ट्रायल हुआ था उस टाइम तो पूरा मिट्टी और पत्थर से भरा हुआ था। सिर्फ जेसीबी से थोड़ा सामान करके ही प्रैक्टिस किया था, वो ट्रायल किया था। अभी तो देख रहे हैं आप लोग, देखो अभी बहुत ही अच्छा हो गया ग्राउंड। सो अभी सब प्लेयर के लिए अच्छा है, ट्रायल के लिए देख सकते हो ग्राउंड। आप लोग देख सकते हो अभी की जो ट्रायल के लिए आएगा उसी सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये प्लास्टिक ग्राउंड है तो नेचुरल नहीं है, तो खेलने के लिए भी मज़ा आता है और अपना परफॉर्मेंस पूरा दिखा सकता है। इधर जैसे भी आपका गेम है दिखा सकते हो। तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं ग्राउंड के लिए, तो सभी प्लेयर अभी तो अप्लाई होता है ऑल इंडिया का, लेकिन ज़्यादा सर देखता है हम लोग का नॉर्थ का प्लेयर ही आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब स्टेट का प्लेयर आए और यहाँ पर अप्लाई करे ट्रायल के लिए आए, क्योंकि असम राइफल टीम ऊँचा तक लेके चले सभी मिलके। ये सब्स्टिट्यूट बेंच है। यही है असम राइफल का मेन ग्राउंड। ये सब्स्टिट्यूट बेंच है। वो भी एक सब्स्टिट्यूट बेंच है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्कोर बोर्ड। तो संडे है इसलिए लड़का लोग खेल रहा है, बाहर का है। तो मेन जो असम राइफल का टीम है आज रेस्ट डे है, संडे है। कल से और मंडे से और मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। यही है मेन ग्राउंड असम राइफल का। से शुरू होता है हम लोग का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असम राइफल का, और अंदर में जिम भी है। जब भी प्लेयर लोग टाइम मिलेगा मिलता है उसी टाइम आके यहाँ पे जिम करता है सब लोग। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को जिम। फाइनली मैं अंदर घुस गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सो अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ जिम। सो प्लेयर लोग जिम कर रहे हैं अभी, तीन चार प्लेयर। तो यही है हम लोग का असम राइफल का जिम। कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे, तो जिम के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसा दौड़ते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, जिम के लिए आया। तो आज रेस्ट डे है, सभी अभी जिम के लिए तैयार हो रहे हैं, जिम करेगा। और यहाँ पे है हम लोग का भवाएगा का इंदू हुसैन बरुआ, तो जिम के लिए तैयार है। बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, फिल्स में खेलता है। तो और एक है हम लोगों का समुएल मणिपुर का, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो यही है असम राइफल का जिम दिखाई दे रहा है आप लोग को। असम राइफल में भर्ती होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड भी स्पेशल है, जिम भी स्पेशल है, सिर्फ आप लोग अप्लाई करो। हेलो गाइस,
ये रबड़ा है हमारा, ये बहुत ही माना हुआ स्ट्राइकर असम का, ये हमारा भाई है। ओके, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, पिछली बार भी बोला था। ओके गाइस, ठीक है। जब भी आपका टाइम होता है प्रैक्टिस करने का, पर भी आप बहुत ही टाइम मिलेगा मिलता है, टाइम नहीं मिलने से भी खुद निकलना पड़ेगा, क्योंकि समय को टीम हो या दोस्त का टीम हो तो खुद टाइम निकलना पड़ेगा। टाइम तो अवेलेबल है, प्रैक्टिस करने का बाद भी आप खुद अपना टाइम निकल के जीम आ सकते हो, और समय में तो अवेलेबल टाइम होता है हमारे पास। सब कल्याण आगे यहाँ पर करने के बाद रनिंग अपना असम राइफल का पलवान लोग फुटबॉल टीम बहुत तगड़ा है। और देख रहे हैं आप लोग, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अंदर में तो बैडमिंटन प्रैक्टिस हो रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बास्केटबॉल भी है ग्राउंड। तो यहाँ पे जो मर्जी जो जो प्लेयर जो खेलता है अपना अपना गेम तो खेल सकता है यहाँ पे। अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को असम राइफल्स का जो गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स लोग है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाते जाऊंगा, क्योंकि असम राइफल्स का अंदर में बहुत ही गेम है, तो आप लोग देखते रहना।
प्रैक्टिस। हाँ में मैंने दिखा दिया आप लोगों को असम राइफल ग्राउंड जिम, और अभी आप लोग का इंटरेस्ट है तो असम राइफल में ज्वाइनिंग करने के लिए आप अपना नेशनल सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जब भी अप्लाई होगा आप लोग सबमिट करना पड़ेगा, नेशनल सर्टिफिकेट इंटरनेशनल। और जितना भी मैं देखा अभी तक असम राइफल में ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर लोग ही अप्लाई करता है, बाकी जो है हम लोग का इंडिया में तो बहुत स्टेट है, कोई केरला हो, कोई दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी लड़का अप्लाई कर सकता है। मैं दिखाई नहीं देता है कि आप लोग भी प्लीज़ असम राइफल का जब स्पोर्ट्स पर्सन का कोटा निकलेगा आप लोग भी अप्लाई की करें हम लोग, क्योंकि असम राइफल टीम और उषा तक लेके जा सकता है। तो आप लोग के लिए वही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी असम राइफल के लिए अप्लाई करें। और जब भी असम राइफल का अप्लाई निकलेगा मैं आप लोग को एडवांस 10-15 दिन का पहले जब भी मेरे को पता चलेगा आप लोग को वीडियो का माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आप लोग उसी तरह आप लोग अभी से प्रैक्टिस के लिए रेडी रहे। जो भी आप लोग भी ग्राउंड दिखा दिया बहुत ही अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छा है असम राइफल डीजीआर फुटबॉल टीम में, क्योंकि वही आशा करता हूँ कि आप लोग भी असम राइफल में अप्लाई करें, आप लोग भी आए तो और टीम को तगड़ा करें, जो हम लोग असम राइफल टीम को ऊपर तक लेके चले। रेडी रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जब भी निकलेगा मैं आप लोग को बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं से छोड़ता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आप लोग रेडी रहना असम राइफल स्पोर्ट्स कोटा के लिए, कभी भी भर्ती निकल सकता है, उसके लिए बी रेडी। जय हिंद, जय भारत।